नमस्कार दोस्तों दोस्तों जब श्री कृष्ण अपनी बाल अवस्था में थे उस समय ब्रह्मा जी को भी यह पता था कि भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं। ब्रह्मा जी के मन में भी श्री कृष्ण के दर्शन करने का विचार आया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आए और देखा कि अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किए एक बालक गायों और ग्वालों के साथ मिट्टी में खेल रहा है। ब्रह्मा जी को यह देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि यह बालक विष्णु का अवतार है। उन्होंने कृष्ण की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कृष्ण के साथ की गायों को वहां से उठा लिया। जब श्री कृष्ण गायों को ढूंढने लगे तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल सखाओं को भी वहां से हटा लिया और अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। जब उन्होंने वापस पृथ्वी पर आकर देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि जिन गायों और ग्वालों को वे ब्रह्मलोक छोड़ आए थे वे सभी श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर खेल रहे थे और गाय भी वहीं थी उनके साथ। ब्रह्मा जी ने तब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि सभी ग्वाले और गाय ब्रह्मलोक में ही हैं। यह सब देख उन्हें श्री कृष्ण की लीला समझ में आ गई। साथ ही उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण से विनती की कि प्रभु मुझे अपने असली रूप के दर्शन दें। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को अपना विराट स्वरूप दिखाया। श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन करने के लिए वहां कई और ब्रह्मा भी आए। उन ब्रह्मा में से कुछ 3 सिर के, कुछ 4 सिर के तथा कुछ 100 सिर के भी थे। ब्रह्मा जी यह सब देखकर फिर चकरा गए और श्री कृष्ण से बोले, प्रभु यह आपकी कैसी लीला है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, इस जगत में कई ब्रह्मांड हैं और वहां कई ब्रह्मदेव हैं। प्रत्येक का अपना कार्य और कर्तव्य है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने अपना शीर झुकाकर नमस्कार किया और ब्रह्मलोक जाकर ग्वालों और गायों को मुक्त किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं। हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी अवश्य करें। दोस्तों, अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।